अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A51 की और रियलमी XT की। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मोबाइल फ़ोन की बॉडी की, डिस्प्ले की, प्लेटफॉर्म की, मेमोरी की, कैमरा की, बैटरी की, फिंगरप्रिंट की, कलर की और प्राइस की बात करेंगे और देखेंगे कि अपने प्राइस टैग के हिसाब से ये दोनों मोबाइल फ़ोन कैसे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन की बॉडी की। बॉडी में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 की जो बॉडी है वो आपको फ्रंट ग्लास का मिलता है, जबकि इसका बैक और फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलता है। वज़न की बात की जाए तो वो आपको 178 ग्राम मिलता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में आपको फ्रंट और बैक दोनों ही ग्रीला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलते हैं और इसका फ्रेम आपको प्लास्टिक का मिलता है। वज़न की बात की जाए तो वो आपको 183 ग्राम का मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की। डिस्प्ले में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है पंच होल डिस्प्ले के साथ 6.5 इंचेस की, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 87.4%। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है वाटर ड्रॉप नोच के साथ, और इसका स्क्रीन साइज है 6.4 इंचेस, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 84.3%। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन के प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको एंड्रॉयड 10.0 और वन जी आई 2.0 की सपोर्ट मिलती है, और इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो है एक्जोनॉस 9611। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में आपको एंड्रॉयड 9.0 कलर OS 6 की सपोर्ट मिलती है, और इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो है स्नैपड्रैगन का 712। इसके बाद बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फ़ोन की मेमोरी की और सिम स्लॉट की। सबसे पहले बात करते हैं सिम स्लॉट की। तो सिम स्लॉट में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलती है, यानी आप एक वक्त में दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट की ऑप्शन 512 GB तक की है। इंटरनल में देखा जाए तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक 64 GB 4 GB रैम वाला, एक 128 GB 6 GB रैम वाला। दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में जो आपको सिम स्लॉट मिली है वो आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट ही मिलती है, लेकिन इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट की ऑप्शन 256 GB तक की है। इंटरनल में देखा जाए तो इसमें आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, एक 64 GB 4 GB रैम वाला, एक 64 GB 6 GB रैम वाला, एक 128 GB 8 GB रैम वाला। इसके बाद बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फ़ोन के कैमरा की। कैमरा में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। इसका मेन कैमरा 48 MP का है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 MP का डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है, और 5 MP का इसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो वो आपको 32 MP का मिलता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में जो आपको कैमरा मिलता है वो आपको क्वाड कैमरा सेटअप ही मिलता है। इसका मेन कैमरा 64 MP का है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 MP का डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है, और 2 MP का इसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो आपको 16 MP का मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। बैटरी में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है 15 W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में आपको 4000 mAh की बैटरी ही मिलती है 20 W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि वो 3.0 को सपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन के फिंगरप्रिंट की। तो फिंगरप्रिंट में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन के कलर की। तो कलर में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको 4 कलर मिलेंगे, एक प्रिज्म क्रश ब्लैक, एक प्रिज्म क्रश ब्लू, एक प्रिज्म क्रश वाइट और एक प्रिज्म क्रश पिंक। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो रियलमी XT में आपको जो कलर मिलेंगे वो 2 कलर मिलेंगे, एक पर्ल वाइट और एक पर्ल ब्लू। इसके बाद बात करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो प्राइस में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 की जो पाकिस्तान में प्राइस है वो 54,999 रुपीज़ है 6 GB वाली वेरियंट की, जबकि दूसरी तरफ बात की जाए तो रियलमी XT की भी जो प्राइस है पाकिस्तान में वो 54,999 रुपीज़ है 8 GB वाले वेरिएंट की। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा मोबाइल फ़ोन जीता और कौन सा मोबाइल फ़ोन हारा। तो ये मैंने हर चीज़ में आपको बता दिया कि किस चीज़ में कौन सा मोबाइल फ़ोन जीता और किस चीज़ में कौन सा मोबाइल फ़ोन हारा। अब मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि आपके हिसाब से इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से कौन सा मोबाइल फ़ोन जीता, और अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन लेना पड़ेगा तो आप कौन से वाला मोबाइल फ़ोन लेंगे। तो
वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिल जाएंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।